नमस्कार आदाब, मैं हूं हफ्सा बानो सिद्दीकी और आप देख रहे हैं हापुड़ हलचल। 1 अप्रैल से राष्ट्रीय राजमार्ग स्थित टोल प्लाजाओं पर टैक्स में इजाफा होने जा रहा है। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की तरफ से फिलहाल जिला हापुड़ के पिलखवा छिजा से टोल की दरें घोषित की गई हैं। यहाँ हल्के चार पहिए वाहनों को एक तरफ से 10 रुपये अधिक देने होंगे, जबकि भारी वाहनों को इससे भी ज़्यादा खर्च करना होगा। ज़िले में स्थित 2 और टोल प्लाजाओं की टैक्स दरों की सूची अभी जारी नहीं की गई है। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने 1 अप्रैल से सभी टोल प्लाजाओं पर टोल टैक्स की बढ़ोतरी की घोषणा की थी, जिसके अनुसार अब पिलखवा के छिजार से टोल प्लाजा से होकर जाने वाले वाहन चालकों की जेब पर अतिरिक्त भार पड़ेगा। इसके तहत हल्के चार पहिया वाहनों को एक तरफ से 130 रुपये के बजाय 140 रुपये देने होंगे, जबकि दोनों की ओर से धनराशि 210 रुपये देनी होगी। हल्के व्यावसायिक वाहनों को 230 रुपये देने होंगे, जबकि दोनों ओर से ये धनराशि 345 होगी। छोटे से जिले में 3 टोल, लोगों का कहना है कि जिले की तीनों सीमाओं पर टोल प्लाजा है। इसके अलावा लोगों ने टोल फ्री की मांग की है। उनका कहना है कि छोटे से जिले में 3 टोल प्लाजा है, ऐसे में जिले के लोगों को शहर से बाहर निकलते ही टोल देना पड़ता है। शासन को चाहिए कि हापुड़ के लोगों को टोल टैक्स में कुछ राहत मिले। इस पर टोल प्लाजा के प्रबंधक बुद्धि प्रकाश ने बताया कि टोल प्लाजा से 20 किलोमीटर दायरे में हल्के वाहनों के लिए मासिक पास 315 रुपये कर दिया गया है। 1 अप्रैल से नई दरें लागू कर दी जाएंगी।